बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। बता दें आपको, विवेक तिवारी हत्याकांड की जांच कर रही एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है और लखनऊ के हत्याकांड में एसआईटी ने जो रिपोर्ट सौंपी है उसमें लखनऊ पुलिस को ही हत्याकांड के लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। अपील में अधिकारी थे विवेक तिवारी और हमारे यूपी संपादक पंकज झा ताजा अपडेट के साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, जिस तरह से इस खबर की रिपोर्टिंग आपने की और एबीपी न्यूज लगातार इस खबर के हर पहलू को दिखाता रहा, एसआईटी जांच भी इसी ओर इशारा कर रही है, और क्या कहा गया है जांच में? देखिए, एसआईटी की जांच लखनऊ के आईजी सुजीत पांडे को दी गई थी और 14 सवालों का जवाब तलाशने को कहा गया था। ये जांच रिपोर्ट डीजीपी को दे दी गई है और इसमें जो आरोपी पुलिस वाले थे संदीप प्रशांत चौधरी और संदीप कुमार, उनको ही जिम्मेदार माना गया है कि जिस तरीके से प्रशांत ने गोली चलाई थी और इसमें विवेक तिवारी की हत्या हुई थी, इन दोनों पर हत्या का मुकदमा चलाने को सही ठहराया है और जांच में ही इन दोनों को दोषी ठहराया है और कुछ पुलिस वालों को इस मामले में लीपापोती करने का भी आरोप जो पाया था उसे सही पाया है एसआईटी ने अपनी जाँच में। जी, बहुत शुक्रिया आपका पंकज झा तमाम जानकारी के लिए। आपको हम याद दिला दें, 29 सितंबर को यह हत्याकांड हुआ था। काफी कोशिश की थी यूपी पुलिस ने लीपापोती करने की, लेकिन रिपोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो गया। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।